बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिप जॉइंट एनाटॉमी। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ हिप जॉइंट दैट बेसिकली शोज द फीमोरल हेड, एसिटेबुलम एंड लैब्रम दैट जॉइंट्स द एसिटेबुलम विद द फीमोरल हेड। इट ऑल्सो शोज द लिगामेंट्स अराउंड द हिप जॉइंट। Basically, hip joint comprised of two bones, the thigh bone that is called femur and the pelvis bone. Pelvis bone is made up of three bones or three parts that is called ilium, ischium and pubis. Basically, the ball of the hip joint is made by the femoral head and the socket is made by the acetabulum. Now we discuss about the structure of the hip joint. एक्चुअली में हिप जॉइंट होता क्या है? जो हमारे पास हिप जॉइंट है ना, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है ना, वो किस हर तरफ मूव करता है, मतलब चारों तरफ ये मूव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऊपर को भी मूव कर रहा होता है, नीचे को भी मूव कर रहा होता है, दोनों साइड्स को भी मूव कर रहा होता है। इस वजह से हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जो कि हर प्लेन में मूव करता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास एसिटेबुलम होता है ना, जहाँ पे जाके फीमर के हेड ने अटैच होना होता है, अंदर फिक्स होना होता है, वो कॉनकेव होता है। और जो फीमोरल हेड होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इस वजह से दोनों जो है ना, वो एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं, जस्ट लाइक द बॉल एंड सॉकेट। फीमोरल हेड जो कि कॉनकेव होता है, वो बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो एसिटेबुलम है जो कि फीमोरल हेड कॉन्वेक्स होता है, और जो एसिटेबुलम है वो कॉनकेव होता है और वो सॉकेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से पूरा हिप जॉइंट बनता है हमारे पास। जो हमारे पास हिप जॉइंट है ना, वो शोल्डर जॉइंट से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बोन का स्ट्रक्चर है ना, और मसल्स की स्ट्रेंथ है और लिगामेंट्स हैं क्रॉसिंग दी जॉइंट्स, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। शोल्डर के सारे स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में हिप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, लाइक मसल्स, लिगामेंट्स और इसका जो जॉइंट है, वो ज़्यादा जो है ना, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये ज़्यादा शोल्डर्स है ना, स्टेबल और स्ट्रॉन्गर जॉइंट होता है। नेक्स्ट, अब हम इसका पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि हमारे पास हिप जॉइंट जो है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल जॉइंट है। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा है, हमारी बॉडी के कुछ लार्ज जॉइंट्स हैं ना, उन्हीं में एक हिप जॉइंट भी आता है, ठीक है। और ये एक रिजिड बॉल एंड सॉकेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। एक हमने लास्ट टाइम हमने फोरम में आई थिंक हम पढ़ रहे थे, डिस्कस किया था कि हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट होता है जो बस दो ही प्लेन्स में मूव कर रहा होता है, जैसे कि डोर है हमारा, ठीक है। डोर दरवाज़ा जो होता है, उसे हम या बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसके अलावा तो हम उसे किसी डायरेक्शन में मूव नहीं ना कर सकते। इसी तरह से हिंज जॉइंट होता है। लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वो हमारा सारे डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब फोर प्लेन्स में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल, ईस्टियोफेमोरल लिगामेंट्स एंड द लिगामेंटम टेरिस। ये जो सारे लिगामेंट है ना, ये हमारे हिप जॉइंट के अराउंड होते हैं, जो कि उन्हें हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इलियोफेमोरल नेम से पता लग रहा है कि जो इलियम, जो हमारे पेल्विस है, पेल्विस की इलियम बोन से और फीमर बोन से अटैच होता है। प्यूबोफेमोरल, फीमोरल जो है, ये प्यूबिस और फीमोरल से अटैच होता है। और जो ईस्टियोफेमोरल है, ये ईस्टियम और फीमर से अटैच होता है, ठीक है। ये सारे लिगामेंट्स हैं जो कि हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अब आपको अपनी स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही होगी, जिसमें उन्होंने हिप का जो है ना, पूरी हिप का जो थाई तक जा रहा है, उन्होंने मसल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, और साथ में फेशियाज वगैरह, लिगामेंट्स दिखाए हैं। अब देखें, सबसे जो हमारा मेन मसल होता है ना हिप का, वो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियाई मसल्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी हिप का जो वो होता है ना मास, वो बना रहे होते हैं, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ये तीन ग्लूटियाइज होते हैं। ये जो अब आपको लेटरल साइड पर नज़र आ रहा है, इस ये टेंसर फेशियल आटा है, जो कि नीचे कॉन्टिन्यू करता है किसके साथ,
ये पूरा नीचे तक बैंड आ रहा है ना, जिसको फेशिया से डिनोट किया हुआ है, बिल्कुल बिलो पे ये पूरा हमारे पास टेंसर फेशिया लेटा आ रहा है। आगे फ्रंट पे हमारे पास लेटरल साइड पे सार्टोरियस मसल है, रेक्टस फेमोरस मसल है, ठीक है, और बाइसेप फेमोरिस है, वेस्टस लेटरलिस है, और इसके अलावा ये सब मसल्स हैं जो कि हिप और थाई के मसल्स हैं। और हमारे पास जो थाई के मसल्स होते हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या कह रहे होते हैं, हमारे ये क्वाड्रीसेप्स मसल होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेक्टस फेमोरिस आ जाता है, बाइसेप फेमोरिस आ जाता है, और ये वेस्टस ये सार्टोरियस मसल आ जाते हैं। ये सब मसल जो है हमारे क्वाड्रीसेप मसल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने अभी डिस्कस किया था ग्लूटियाई मसल्स को। अब जो ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस होते हैं ना, जिस तरह इनके नेम है ना उस तरह से ये लोग ये जो मसल्स हैं ना ये हमारे पास प्लेस हैं हिप पे, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये सबसे सुपरफिशियल मसल है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट मसल है तीनों में से। और ये क्या करता है, मेक्स अप द बल्क ऑफ द शेप एंड फॉर्म ऑफ द बटक एंड हिप एरिया। ये हमारे जो हिप का बल्क होता है ना ये ग्लूटियस मैक्सिमस बना रहा होता है, और साथ में जो हिप को एक प्रॉपर शेप आई होती है ना बटक एरिया को, वो भी हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल बना रहा होता है। और फिर इसके नीचे ग्लूटियस मीडियस पड़ा होता है, और सबसे नीचे हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस। और जो हमारे थाई के क्वाड्स मसल है ना उनमें बेसिकली रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, मीडियलिस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, ये चार मसल्स हैं जो कि मिलके पूरा क्वाड्रिसेप मसल बना रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपको अपनी स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही होगी जो कि स्पाइन जिसमें दिखाई हुई है, साथ में पेल्विस है पूरी और फीमर है, ठीक है, हिप जॉइंट है। यहाँ पे सोस मेजर मसल जो कि ये वहाँ स्पाइन वाले एरिया से वर्टिब्रीज के एरिया से अटैच होके नीचे को आ रहा है, ठीक है, हमारे फीमर पे आ रहा है। इलियाकस मसल है, टेंसर फेशियल अटैच जो मैंने आपको पीछे भी पिक्चर में दिखाया था, साथ में एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस मसल्स हैं, और पिरीफॉर्मिस मसल है। ये सारे जो मसल्स हैं ना ये हमारे हिप वाले एरिया के मसल्स हैं, ये पेल्विस और हिप एरिया के मसल्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एसीटेबुलम। एसीटेबुलम बेसिकली है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसीटेबुलम जो है ये कॉनकेव कंपोनेंट है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, यानी कि कॉनकेव कंपोनेंट है, ये सॉकेट है, ठीक है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होता है, और ये स्टैटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे हिप जॉइंट को, ठीक है। अब एसीटेबुलम जो है ना ये एंटीरियर, इन्फीरियरली और लेटरली फेस करता है, ठीक है। अब इसमें जो अंदर स्ट्रक्चर है ना इसका, उसको बताया हुआ है कि फाइब्रो कार्टिलेज नॉस रिम है इसकी, ठीक है। एसीटेबुलर लेब्रम होता है इसमें जो कि दोनों को अटैच कर रहा होता है एक दूसरे के साथ, बॉल एंड सॉकेट को, और सेंट्रल पोर्शन जो है इसका वो नॉन आर्टिकुलर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखें, नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एसीटेबुलम, जिसमें उन्होंने लेब्रम दिखाया हुआ है, वो जो डार्क ब्लैक कलर में उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है ना वो लेब्रम है, और ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट जो आपको नज़र आ रहा है ना एरो से शो किया हुआ है बीच में बल्ब शेप का बना हुआ है, वो ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट है, ठीक है। लेब्रम जो है ये क्या चीज़ है, ये फ्लैट रिम ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज की एक फ्लैट सी रिम है, ठीक है, जो दोनों को अटैच कर रही होती है, और ट्रांसवर्स एसीटेबुलर लिगामेंट, ये दोनों स्ट्रक्चर जिन्होंने इसमें दिखाए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं फिमोरल हेड। फिमोरल हेड का स्ट्रक्चर कैसा है, फिमोरल हेड जो है ये कॉन्वेक्स कंपोनेंट है, यानी कि ये बॉल एंड सॉकेट का की बॉल बना रहा होता है, ठीक है, टू थर्ड ऑफ अ स्फेयर, ये स्फेयर का टू थर्ड होता है, और ये कार्टिलेज से कवर हुआ होता है, ठीक है। और जो रेडल ने सुजेस्ट किया था 1965 में कि ये मोस्ट लोड सुपीरियर क्वाड्रेंट, कि इसका जो सुपीरियर क्वाड्रेंट है ना, अभी हमने पढ़ा कि ये इसके वो जो क्वाड्रेंट्स है ना हमारे पास फिमोरल हेड, वो टू थर्ड होता है स्फीयर का, तो उसमें जो सुपीरियर उसका क्वाड्रेंट होता है ना वो सबसे ज़्यादा जो लोड है ना वो बियर कर रहा होता है, ठीक है, एंटीरियरली, मीडियली एंड सुपीरियरली। ओके, नेक्स्ट अब देखें बच्चों, आता है फिमोरल नेक। पहले हम लोगों ने फिमोरल हेड को डिस्कस कर लिया। फिमोरल हेड जो कि बॉल शेप में होता है, उसे पीछे जो बिल्कुल बैक पे आते हैं ना, जस्ट आफ्टर फिमोरल हेड, वो फिमोरल नेक होती है, ठीक है, फीमर की नेक होती है, जिसमें हमारे पास फ्रंटल पेन और ट्रांसवर्स प्लेन आता है। फ्रंटल प्लेन जो है ना उसमें क्या होता है, नेक टू शैफ्ट एंगल। शैफ्ट क्या होता है, जो हमारी बोन नेक से नीचे जो बाकी की बोन होती है ना उसे हम शैफ्ट कहते हैं। बोन की जो कह लें कि एंड्स के मिड में जो बोन की बॉडी होती है ना उसे हम लोग शैफ्ट कहते हैं, ठीक है, हेड्स के दोनों हेड्स के दरमियान में, अपर और लोअर।
तो जो नेक और शेफ्ट का एंगल बना रहा होता है ना, वो फ्रंटल प्लेन होता है, और जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एंटीवरियन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखें, नेक टू शेफ्ट एंगल जो है ना, ये 125 डिग्री एवरेज है, और ये वेरी करता है 90 to 135 डिफरेंट जो है ना होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनस फिजिक। ठीक है, यहाँ से ये जो है वेरी कर सकता है, लेकिन जो एवरेज होता है ना वो 125 डिग्री का होता है। साइड पे पिक्चर में आपको शो हो रहा है नेक टू शेफ्ट एंगल, ठीक है, जिसे हम लोग मिड वाली जो पिक्चर है ना, आप उसमें देखें इस तरह से ये नेक पे एंगल बन रहा है, नीचे शेफ्ट पे, ठीक है, हेड से लेके नेक तक और नीचे शेफ्ट से लेके नेक तक इस तरह से एंगल बन रहा है। और अगर तो ये एंगल नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो हमने एवरेज पढ़ा है कि 125 डिग्री है, वो मिड वाला जो एंगल है ना वो नॉर्मल शो करवाया हुआ। अब अगर ये एंगल इंक्रीज़ कर जाता है ना, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे हम कहेंगे कोक्सा वेल्गा। हमेशा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, हमारे जो नेक का एंगल हो या फिर सॉरी फीमर का एंगल हो, हिप का एंगल हो या नी का एंगल हो, तो इनमें जो अगर हमारे पास एंगल इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे वेल्गा। ठीक है, वेल्गस। और अगर हमारा एंगल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे वेरा, यानी कि वेरस। ठीक है, वेल्गा में एंगल इंक्रीज़ कर रहा है जो कि 125 से बढ़ जाता है, ठीक है, और जो वेरा है उसमें एंगल डिक्रीज़ कर रहा है, 125 से कम हो जाता है, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल हमारा नेक टू शेफ्ट एंगल होता है ना, ये हमारे लीवर आर्म को इफेक्ट करता है अगर ये बढ़ जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक टू शेफ्ट एंगल एंड एबडक्टर मसल फोर्स। देखें पिक्चर में आपको फर्स्ट में नॉर्मल शो करवाया हुआ है, सेकंड में देखें अगर एंगल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है ना, तो हमारे पास जो एबडक्टर मसल्स उन्होंने शो करवाए हुए हैं, साथ में मूवमेंट आर्म। ठीक है, और वेल्गा में क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और साथ में उन्होंने रिलेशन दिखाया हुआ है एबडक्टर मसल का। ओके, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ एंटीवरियन, जो कि नॉर्मल या एवरेज कितना होता है, 12 डिग्री। ठीक है, और ये ड्यूरिंग हमारे जब चलते हैं ना, हमारी गेट के दौरान, हमारी वॉक के दौरान के इफ़ेक्ट होता है। अगर तो इंटरनल रोटेशन है ना, तो ये 12 डिग्री से इंक्रीज़ कर जाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन में 12 डिग्री से डिक्रीज़ कर जाएगा। साइड पे पिक्चर में आपको शो हो रहा है 12 डिग्री उन्होंने शो करवाया हुआ है। ठीक है, ये था हमारे पास एंगल ऑफ एंटीवरियन। ओके, नेक्स्ट अब देखें आप आता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स की अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज़। यहाँ भी हम लोग काइनेमैटिक्स में हिप की मूवमेंट ही देख रहे हैं। हिप मोशन टेक्स प्लेस इन ऑल थ्री प्लेन्स, ठीक है, सेजिटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स। ये हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी में ये सारे प्लेन्स डिस्कस किए थे, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन, उसी प्लेन्स की यहाँ पे बात की हुई है। सेजिटल प्लेन का मतलब है कि फ्लेक्जन एक्सटेंशन में हिप जॉइंट मूव करता है, और फ्रंटल एबडक्शन एडक्शन में मूव कर सकता है। इसके अलावा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये भी हमारा हिप जॉइंट कर सकता है, मतलब ऑल थ्री प्लेन्स में हमारा हिप जॉइंट मूव कर रहा होता है, इसी वजह से इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो काइनेमैटिक्स में आता है ना, नेक्स्ट पिक्चर में उन्होंने विद पिक्चर शो करवाया हुआ है काइनेमैटिक्स को, रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, जो कि सेजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स प्लेन में होती है, हो रही है। फर्स्ट आप पिक्चर देखें जिसमें फ्लेक्जन और एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, सेकंड पिक्चर में एबडक्शन और एडक्शन हो रही है, और जो थर्ड पिक्चर है इसमें एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आता है ना हमारे पास, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक एनाटॉमी ऑफ जो हमारी थी ना, ओवरऑल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी पढ़ा था, या फिर किसी लेक्चर में ना मैंने आपको आप लोगों को बताया था कि हिप रोटेशन जो होती है ना, वो अगर हम अपना पाँव जो है अंदर को करते हैं, तो वो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन होती है। तो वो मैंने थोड़ा सा आपको जो है ना मिस्टेक कर दी थी वहाँ पर बताने में,
कि एक्सटर्नल रोटेशन जो है ना वो हमारी, जब हम अपना पांव बाहर को निकालेंगे ना तब भी हमारी एक्सटर्नल रोटेशन होगी, और जब हम अपना पांव अंदर को करेंगे तब हमारी इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, ये जो ऑपोजिट फिनोमिना आता है ना ये नी पे आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हिप। अब हिप स्ट्रक्चर जो है ना इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है ना, जैसे शोल्डर को हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, ऐसे ही हम जो हिप है, हिप जॉइंट है, ऐसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल। ये इंक्लूड करता है ईलिया को और सैक्रम को। ठीक है, सैक्रम हमारा जो वर्टिब्रीज आ रही होती है ना लास्ट वाली, सैक्रम और ईलिया। इट कैन बी रोटेटेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली टू ऑप्टिमाइज पोजिशनिंग ऑफ दी हिप। हिप की पोजीशनिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली रोटेट करती है। ठीक है, और ये पिक्चर में वही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हिप के लिगामेंट्स और बर्सास की तरफ। लिगामेंट्स हमने पहले भी इनके नेम पढ़े हैं, इलियो फिमोरल लिगामेंट जो कि वाई शेप लिगामेंट होता है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, और ये एंटीरियर स्टेबिलिटी, ठीक है, एंटीरियरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्यूबो फिमोरल लिगामेंट, ये भी एंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ईसियो फिमोरल लिगामेंट जो है ये पोस्टीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आता है लिगामेंटम टीरीज, ये जो लिगामेंट्स है ना ये हेल्प करते हैं फीमर के हेड को ट्विस्ट होने में। ठीक है, इनटू द सॉकेट ड्यूरिंग एक्सटेंशन मूवमेंट, जब हमने एक्सटेंशन मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है ना अपने हिप जॉइंट पे, तो हमारे फीमर के हेड ने ट्विस्ट करना होता है ना, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। और ये हमारे जो चार मेन लिगामेंट्स हैं हमारे फीमोरल हिप जॉइंट के, इसके अलावा इलियोसोस बर्सा होता है और साथ में डीप ट्रोकेंटेरिक बर्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मूवमेंट्स एट द हिप। अब हम हिप की जो मूवमेंट्स हैं उन्हें थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। हिप पे जो मूवमेंट हो रही होती है ना हमारे पास, हमने पहले भी पढ़ा कि ऑल थ्री प्लेन्स में हमारे पास हिप की मूवमेंट्स होती हैं। इसे हम रीड करते हैं, व्हाट मूवमेंट्स ऑफ द फीमर आर फैसिलिटेटेड बाय पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट डायरेक्शन पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है, और लेटरल टू अपोजिट साइड फीमोरल मूवमेंट होती हैं जो कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन है। अब हम इन्हें सेपरेटली सबको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखने लगे हैं मूवमेंट्स एट दी हिप, जिसमें फर्स्ट मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्शन को। फ्लेक्शन, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम अपने हिप जॉइंट को आगे को मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर को जब हम अपनी टांग उठाते हैं ना सीधा खड़े होके या लेट के व्हाटएवर, तो ये हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म होती है। ठीक है, अब फ्लेक्शन मूवमेंट जो है वो कौन से मसल्स करवा रहे होते हैं वो हम देखते हैं। बेसिकली इलियाकस मसल और सोस मेजर मसल, ये दो मसल्स हैं जो कि हमारी हिप की फ्लेक्शन करा रहे होते हैं। और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे हिप जॉइंट पे जो मसल्स फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं वही मसल्स हमारे नी जॉइंट के एक्सटेंसर्स होते हैं, और हमारे जो हिप के एक्सटेंसर्स होते हैं वो हमारे नी जॉइंट के फ्लेक्सर्स होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो ऑपोजिट फिनोमिना होता है, हिप के फ्लेक्सर्स नी के एक्सटेंसर्स होंगे और हिप के एक्सटेंसर्स नी के फ्लेक्सर्स होंगे। ठीक है, और जो असिस्ट कर रहे होते हैं ना, जो हेल्प कर रहे होते हैं, उनमें कौन से मसल्स आते हैं? सार्टोरियस मसल, रेक्टस फेमोरिस, टेंसर फेशिया लैटा जो कि लेटरली हमारा फेशिया पड़ा हुआ है, और साथ में पेक्टिनियस, ये सारे असिस्ट कर रहे होते हैं। मेन जो है वो इलियाकस और सोस मेजर मसल्स हैं। इलियाकस मसल जो है ना ये बेसिकली एक ट्राइंगल शेप मसल है हमारी पेल्विक बोन का, जो कि हम फीमर को या फिर हिप को फ्लेक्स और रोटेट कराने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, इलियाकस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिप फ्लेक्सर मसल है हमारी बॉडी का, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। सोस मेजर मसल जो है ये भी हमारे हिप फ्लेक्शन करवा रहा होता है मेनली। हमने इसका पहले जो है पिक्चर में देखा था कि ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है, नीचे फीमर तक आता है। ये लॉन्ग फ्यूजीफॉर्म मसल है, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये हमारे जो है ना हिप पे या फिर फीमर की फ्लेक्शन करवा रहा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन, जब हम अपनी टांग को पीछे की तरफ को मूव करते हैं ना तो उस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सैजिटल प्लेन में हो रही होती है। अब देखें हमारे पास ग्लूटियस मसल है ना, उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ना इन द हिप जॉइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बायोमैकेनिकल फंक्शन ऑफ द लोअर बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंजरीज एट द हिप, नी एंड एंकल।
ग्लूटियस मैक्सिमस, ये इसका फंक्शन था, और साथ में हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग जिसमें हमारे पास बाइसेप फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनस, ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तीनों मसल्स मिलके हमारे हैम्स मसल बना रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारी हिप की एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है ना, ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, और ये हमारी पेल्विस को स्टेबलाइज भी करता है, हिप रोटेशन में भी हेल्प करता है, और हमारी जो लेग होती है उसे बैकवर्ड पुल भी करता है, यानी कि एक्सटेंशन भी परफॉर्म करवाता है। और जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल है, जो कि तीन मसल से मिल के बन रहा होता है, ये बेसिकली हमारी हिप को एक्सटेंड कराता है और नी को फ्लेक्स कराता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनका ऑपोजिट फिनोमिना होता है, हिप के जो एक्सटेंसर्स होते हैं वो नी के फ्लेक्सर्स के तौर पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एबडक्शन मूवमेंट को। एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने बॉडी पार्ट को मूव करना, ये एबडक्शन होता है, ठीक है। एबडक्शन बेसिकली ग्लूटियस मीडियस मसल करा रहा होता है, और बेसिकली ग्लूटियस मीडियस ही करा रहा होता है, लेकिन इससे हेल्प कर रहा होता है, इसे असिस्ट कर रहा होता है हमारा ग्लूटियस मिनिमस मसल, ठीक है। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हमारे हिप के मसल्स हैं, जो कि मैक्सिमस के नीचे मीडियस और फिर उसके नीचे मिनिमस मसल प्लेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एडक्शन मूवमेंट। एडक्शन हम अपने बॉडी पार्ट को, यहाँ फॉर एग्जांपल हम अपनी लेग को टुवर्ड्स मीडियल साइड लेके आ रहे हैं, दूसरी लेग की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये हमारी एडक्शन है, ठीक है। अब एडक्शन कौन से मसल्स कराते हैं, ये नेम से ही पता लग रहा है, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, ये तीन मसल्स बेसिकली हमारे हिप जॉइंट की एडक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, और इन्हें असिस्ट करता है ग्रेसिलस मसल। बेसिकली जो हमारे मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के मसल्स होते हैं ना, जिन्हें हम लोग कलेक्टिवली एडक्टर, हिप एडक्टर्स कह रहे होते हैं, वो यही मसल्स होते हैं, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस और ग्रेसिलस मसल, क्योंकि ये हमारी हिप पे एडक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेटरल रोटेशन को। इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं पिरिफॉर्मिस मसल, ग्रेमिलस सुपीरियर, ग्रेमिलस इन्फीरियर, ऑब्चुरेटर इंटरनस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल। इसके साथ साथ इलियोटिबियल बैंड, ठीक है, जो कि फाइब्रस टिश्यू बैंड है, और ये इसका जो एसोसिएटेड मसल है इज़ टू एक्सटेंड एबडक्ट एंड लेटरली रोटेट द हिप। अब हमारे पास जो पिरिफॉर्मिस मसल है ना, ये बिल्कुल एक फ्लैट नैरो सा मसल है, और ये रन करता है हमारी लोअर स्पाइन से, ठीक है, और टॉप ऑफ थाइस पे जाके बोन पे अटैच हो रहा होता है। पिरिफॉर्मिस मसल जो है ना, ये एक्सटेंड होता है ईच साइड ऑफ योर बॉडी एंड हेल्प इन ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट ऑफ योर लोअर बॉडी, ठीक है। और हमारी जो मेन नर्व यहाँ से पास करी होती है ना, जो कि शियाटिक नर्व है, वो इस पिरिफॉर्मिस मसल के नीचे से, ठीक है, बीनीथ टू अंडरनीथ टू पिरिफॉर्मिस मसल पास करी होती है। अब जो इलियोटिबियल बैंड है ना, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग थिक बैंड ऑफ टिश्यूज़ है, जो कि रन करता है डाउन द आउटसाइड ऑफ योर थाई एंड इट एक्सटेंड्स ऑल द वे फ्रॉम योर हिप बोन्स टू द टॉप ऑफ योर शिन बोन। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लोड्स ऑन द हिप। अब लोड्स ऑन द हिप जो है ना, इसमें उन्होंने बोला है कि जो हमारा हिप जॉइंट है ना, ये हाईली स्पेशलाइज्ड और वेल डिज़ाइंड जॉइंट होता है, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा लोड जो है ना वो बियर कर सकता है, कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो बियर कर सकता है, जो कंप्रेशन वाली फोर्सेस आ रही होती है ना उसे एक अमाउंट में बियर कर सकता है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड पे इसका जो है ना, स्पीड पे इसका इफ़ेक्ट आ रहा होता है, फुटवेयर पे और साथ में ट्रेनिंग सरफेस पे। नेक्स्ट है कॉमन इंजरीज ऑफ द हिप। फ्रैक्चर्स हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हिप जो है ना, ये हाई रिपीटेटिव लोड्स बियर कर सकती है, 4 to 7 टाइम्स द बॉडी वेट ड्यूरिंग लोकोमोशन, ठीक है। फ्रैक्चर्स ऑफ फेमोरल नेक, अब हमारे पास जो फीमर की नेक होती है उसके फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस एंड फॉल, बैलेंस लॉस हुआ है, गिर गया है अगर पर्सन, तो फ्रैक्चर आ सकता है फॉल की वजह से, ठीक है। और रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए अगर तो कोई
जो पर्सन है ना उसकी बोन्स बहुत ज़्यादा वीकनिंग की तरफ चली गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर वो नॉर्मल वॉकिंग भी कर रहे हैं ना उसमें भी उनको जो है ना वेट बियर करने से हल्का सा और या नॉर्मल उनका थोड़ा सा भी फॉल आया तो उनकी जो बोन है ना उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्यूजन्स। कॉन्ट्यूजन्स में क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट मसल्स प्राइम लोकेशन फॉर डायरेक्ट इंजरी। हमारे जो एंटीरियर एस्पेक्ट के मसल्स होते हैं ना, एंटीरियरली जो प्लेस होते हैं वो हमारी एक प्राइमरी लोकेशन होती है कि उसमें डायरेक्ट उस पर डायरेक्ट इंजरी आ सके, ठीक है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की वजह से आ सकती है, और इंटरनल हैमरेजिंग अंदर जो हैमरेज हो जाता है ना, मतलब ब्लड लीकेज हो जाती है, वो हो सकता है। और अपेयरेंस ऑफ ब्रूजेज, ब्रूजेज बन सकते हैं, ब्रूजेज अंदर स्किन के अंदर जो ब्लड कलेक्ट हो जाता है ना उसे कहते हैं ब्रूज बन जाना, वो रेड डार्क रेड पर्पल टाइप से वो जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है, मार्क्स बन जाते हैं उसे कहते हैं, वो स्किन के अंदर अंदर बन जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रूजेस माइल्ड टू स्वेयर, ये बन सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेन्स को। स्ट्रेन मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि हमारे पास स्ट्रेन जो होता है ना वो हमारी मसल की इंजरी होती है, स्प्रेन लिगामेंट की इंजरी होती है। स्ट्रेन यानी मसल की इंजरी है ना, तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है, वो स्ट्रेच कर सकता है, उसमें इंजरी आ सकती है, टीयर कर सकता है, और ग्रोइन स्ट्रेन ग्रोइन एरिया में जो मसल उनका स्ट्रेन आ सकता है, ठीक है। ये हमने स्ट्रेन्स देख लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है नर्व इंजरी। नर्व इंजरी की जो पेन आती है ना वो कहाँ कहाँ पर आती है, L3 स्पाइनल लेवल। अब L3 स्पाइनल लेवल पे अगर हमारे पास इंजरी आ रही है ना L3 पे, तो हमारे पास जो पेन आएगी ना वो ग्रोइन एरिया से लेके थाई नी तक पेन जाएगी, ठीक है, L3 की इंजरी की वजह से। शियाटिक नर्व जो कि डीप टू पेरिफॉर्मिस पास करती है, ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। ऑब्चुरेटर नर्व जो कि लेबर यानी कि बेबी की डिलीवरी के टाइम जो है ना वो डैमेज हो सकती है। फिमोरल नर्व अपर फीमर से ये आ रही होती है, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन अगर है तो उसमें डैमेज हो सकती है, फोर्सेप्स लेबर में या डिलीवरी में डैमेज हो सकती है, ठीक है। L1 L2 L3 S1 एंड S2 लंबर इंटरवर्टिब्रल एंड सैक्रो इलिक जॉइंट, यहाँ सब एरियाज़ में हमारी कोई नर्व जो है वो उसकी इंजरी आ सकती है, नर्व कंप्रेस हो सकती है, इम्पिंजमेंट आ सकती है, ठीक है, और फिर इन एरियाज़ पर नर्व इंजरी की जो है ना वो पेन आती है हमारे पास। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने जो हमारी एनाटॉमी है ना हिप जॉइंट की उसकी बेसिक्स को डिस्कस किया है। फर्दर हम लोग इसमें कोई भी जो डिसऑर्डर्स डिजेनरेटिव डिजीज़ आ रही हैं और या फिर कोई फ्रैक्चर्स आ गए हैं और उनमें हम लोगों ने कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमें हिप जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ जाए, जिसे हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट या फिर हाफ हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है, हेमीआर्थ्रोप्लास्टी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फर्दर्स कोई लिगामेंटस इंजरी आ रही है, इन सब चीज़ों को हम लोग फर्दर जो है ना लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।